उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के ब्लॉक त्रिवेदीगंज के ग्राम पंचायत गौरव उस्मानपुर में राष्ट्रपति से सम्मानित किसान श्याम शरण वर्मा की मौजूदगी में निशुल्क नेत्र परीक्षण का आयोजन किया गया। नेचुरल हेल्थ कंपनी द्वारा तेल मंजन क्रीम बाम मुफ्त में वितरित किया गया। नेचुरल हेल्थ कंपनी के चेयरमैन व आयोजक कर्ता ग्राम प्रधान इंद्र कुमार मिश्रा व समाज सेवी शगुन वाजपेयी, पंकज मिश्रा, राजेश अवस्थी, सविता पांडे, सदानंद पांडे की अगुवाई में निःशुल्क क्षेत्र वासियों को वितरित किया गया। बाराबंकी से शुभम कश्यप की रिपोर्ट। गांव में आ रहे हैं और बॉम्बे जैसी जगह में जहां पर लोग पूरे भारत से रोजगार के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने एक हेल्थ का, आँख का और नेचुरल हेल्थ केयर के एमडी साहब इन्होंने लेकर के आए हैं। जो साबुन है, जितने भी कॉस्मेटिक के सामान हैं, यहाँ पर फ्री बांटे जाएंगे। मैं आपको भी बहुत बहुत अपने गांव की तरफ से, गांव के वासियों तरफ से, अपने जनपद की तरफ से मैं आपको आभार और अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, बॉम्बे से चल करके ये जनपद बाराबंकी में अपनी कंपनी लेकर के आए हैं, यहाँ पर लोगों को क्या संदेशा देना चाहती है इसके बारे में? संदेशा ये है कि जो भारत है वो गांव में बसता है। हम लोग भले हम बम्बई में हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन हम भी गांव से निकल के आते हैं। और हर आदमी के जीवन में एक चक्र आता है जब उसको ऐसा होता है कि जो समाज से उसने लिया है उस समाज को दे। उसी के विवेक में रखते हुए जो हमारे प्रधान जी हैं इंद्र कुमार शाह जी, चाचा जी, उनका जब मैंने यहाँ काम काज देखा गौरव उस्मानपुर ग्राम पंचायत में, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एज ए बिजनेसमैन या एज ए एंटरप्रेन्योर अपने समाज को वापस दे सकते हैं। वो हिसाब से फिर हमने यहाँ पे निर्णय लिया कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे स्वास्थ्य और रोज़गार दोनों उपलब्ध कर सकता है। और हमारे गाँव को दोनों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है और रोज़गार की भी ज़रूरत है। तो वो हिसाब से जो हम और कहीं कर रहे हैं, तो हम अपने गृह विकास में, अपने जनपद में, आगे राज्य में क्यों न किया जाए। तो चाचा को देख के, पंकज भाई को देख के, इन्होंने इतना बड़ा काम, ये लोग बेचारे बम्बई से हर हफ्ते में दो बार आते हैं यहाँ, इतना सेवा भाव से काम करते हैं। इन्हीं के साथ हमने एक अभियान स्वरूप में अपने गाँव वासियों के लोगों को एक मौका देने का विचार किया जहाँ पर उनका स्वास्थ्य भी सुधरे, उनके रोज़गार में उनको अवसर मिले, उनके जीवन का जो उनका जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, वो सब हमने निर्णय लिया है। सर, जैसा कि अभी बोर्ड पे हमने देखा कि निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगा हुआ ऑपरेशन का है, और आप लोग चश्मे की यहाँ पर जो है खरीदारी बिक्री कर रही हैं, ऐसा क्या है जो आप लोग चश्मे का रेट ले रहे हैं? वहाँ पे पब्लिक को बताया जा रहा है निःशुल्क है, ऐसा क्या था? ये जो कैंप लगवाते हैं उनसे जाके ऑर्गेनाइजर नहीं, नहीं, आप हमारे स्टॉल पे हमें दिख रही हैं ना कि आप जो है जाँच कर रहे हैं, जाँच परीक्षण अधिकारी हैं। देखिए सर, ऑपरेशन का फ्री है, ऑपरेशन का बताया गया, चश्मे का हम लोगों को बताया गया है कि इसका पेमेंट पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं पेमेंट। आपको चश्मे बताया गया है? बोला गया है। तो आप इसके लिए जाइए, जो मेरे कैंप ऑर्गेनाइजर है उनसे निःशुल्क परीक्षण का मतलब। अहमद अली जी, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं आप? आँख खुलवाने के लिए खड़े हैं। ये सूचना आपको कैसे मिली थी? मास्टर साहब, अच्छा, कि आज विद्यालय में आँख खुलवाया जाएगा। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह जहाँ खड़े हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? रोहिणीपुर से, किरणपुर। अच्छा, ठीक है। आज आपके द्वारा जो है अपनी ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया है, इस कैंप से कितने लोगों को आज फायदा हुआ है और कितने लोग आपके यहाँ आए हुए हैं? अभी ये कैंपेन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी काफ़ी मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से करीबन 400 मरीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी भी जाँच जारी है।
ये करीबन अभी 2-2.5 घंटे तक और चलेगी। उम्मीद है 500 से ज़्यादा लोगों को आज यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा अवश्य, जो इंदिरा गांधी की तरफ से आया हुआ अस्पताल। मिश्रा जी, जैसा कि आप देखा गया कि आपके कैंप में काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे, तो कहाँ कहाँ के लोग थे, कैसे ही लोगों को यह सूचनाएं मिली? भैया, इसमें मुख्य रूप से हमारे ग्राम सभा के लोग तो ही हैं और आसपास के करीबन 25 से 30 गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, जैसा कि ये जो कंपनी के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क ब्रांड वितरण किया गया है, ऐसा क्या था कि इस कंपनी के द्वारा आपके पंचायत में ही ये ब्रांड वितरण किया गया है? हम इस कंपनी से कई सालों से जुड़े हुए हैं, हमने इनके प्रोडक्ट को कई जगह पे बहुत अच्छा देखा है कि लोगों को उससे बहुत अच्छा ही लाभ मिला हुआ है। तो ये जब भैया आए थे हमारे गांव में, तो इनको पता चला कि हम लोग गांव में काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी मुंबई से आते हैं, बट यहाँ पर प्रधान होने के बाद हम लोग ने पूरी तरीके से अपना जीवन यहाँ के लिए समर्पित कर दिया है। तो स्वास्थ्य से लेकर हम लोग जो भी यहाँ पे बीमारियाँ समस्याएं होती हैं, हम लोग उससे हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को इससे हम लोग अच्छे से अच्छा लाभ पहुँचा सकें। तो सर, जब हमने इसकी शुरुआत आज से 2 वर्ष पूर्व किया यहाँ पे प्रधान होने के बाद, तो सबसे पहला हमने कार्य किया कि हम लोग यहाँ पे 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा लेके आए, क्योंकि हमारे गाँव में नज़दीक कोई भी अस्पताल नहीं है, तो हम अस्पताल तो नहीं खुलवा सकते थे, बट यहाँ से लोगों को हमने वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था की। तो वो लागू होने के बाद हमने जो दूसरा काम किया वो किया कि गांव की सारी गंदगी ख़त्म करने का प्रयास किया। हमारी करीबन गांव में 90% नालियाँ सारी भूमिगत हैं, कुछ भी आपको खुला नहीं मिलेगा। यहाँ पे सफाई होती है और यहाँ पे नित्य तो नहीं कह सकते हैं, बट हफ्ते में करीबन एक आध बार तो हम लोग फॉगिंग की कोशिश करते हैं, ताकि उससे जो मच्छर है, मलेरिया है, डेंगू है, वो उससे रोकथाम किया जा सके। तो हमने जब भैया के प्रोडक्ट देखे कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी प्रोडक्ट है, तो हमने कहा कि एक बार हमारी इच्छा है कि हमारे ग्राम सभा के और आसपास के गांव के सारे लोगों को आप इसको निःशुल्क दीजिए, ताकि वो जानें कि अच्छे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है। तो उसी के तहत आज का ये आयोजन किया गया है, जहां पे इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय द्वारा सारे डॉक्टर्स वगैरह आए हुए हैं, तो उनका भी यहाँ पर जाँच चल रही है, और प्लस जो नेचुरॉन कंपनी है उसके द्वारा भी लोगों को फ्री प्रोडक्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं।